Assalamu alaikum students, my name is Arif and aap dekh rahe hain mere channel ko civil problem. Students, aaj hum ek problem ko solve karte hain jo ke engineering mechanics statics ka ek problem hai, wo 7th edition ka hai aur chapter number 4 third number problem hai ye. Theek hai, students, pehle problem ko solve dekhte hain ki kya kya kehta hai problem. Determine the forces in each member of the loaded truss. All forces को हम find out करेंगे जो कि trusses member, ये एक member है, ये एक member है, ये एक member है, इस सारे members को find out करेंगे. इस पर जितना load लगता है, जितना force इस पर लगता है, इसको हम find out करेंगे. इसकी वजह से इन members पे force लगता है. क्यों इस member पे force लगता है? क्योंकि ये load है, यहाँ से इधर टेंशन हो रहा है, इधर कंप्रेशन हो रहा है, ये तो फिक्स है. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसको हम करते हैं. ये फिक्स सपोर्ट है और ये दोनों फिक्स सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है, ये एक रोलर सपोर्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इसके मेंबर को सबसे पहले हम इसके क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाते हैं. ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया. अभी देखो, ये इसमें वेट शो किया मैंने, डाउनवर्ड इसका फोर्स डाउनवर्ड है, इसलिए मैंने डाउनवर्ड शो किया. फ्री बॉडी डायग्राम इसको कहते हैं. और किसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम? ये कि इसको कहते हैं कि हम सपोर्ट्स वगैरह को हटा देते हैं, सिर्फ इस पर बॉडी को शो करते हैं एक लाइन से, और उस पर जितने फोर्स लगते हैं उसको हम शो करते हैं, इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं. ये अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया. इसमें क्या बड़ी बला है कि फ्री बॉडी डायग्राम आपको नहीं आता हो, और फ्री बॉडी डायग्राम के को भी आपका पता नहीं होता. इस तरह फ्री बॉडी डायग्राम होता है. और इसमें अभी हम ये अभी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है. जो जब हमारे पास कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में हो, इसमें ऑल फोर्सेस और जितने भी फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में होता है. ये अभी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, ये फोर्स अब सारे फोर्सेस को कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए ये टेंशन वो कंप्रेशन फोर्स इस फोर्स को और ये फोर्स इस फोर्स को, जितने फोर्सेस एक दूसरे के दरमियान लगते हैं उसके सारे फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए हम इस मेंबर को उठा लेते हैं, इस मेंबर को और इस मेंबर को, दोनों मेंबर को उठा लेते हैं. इसको हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस हम इसके शो करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये है, ये इस तरह का बना हुआ एक हमारे पास मेंबर है. फॉर एग्जाम्पल, ये डायरेक्शन इस तरफ है क्योंकि टेंशन है. टेंशन की डायरेक्शन हर वक्त किसकी तरफ होती है? और ये हमारे पास, ये मैंने हेड टू टेल रूल की वजह से, हेड टू टेल रूल की मदद से मैंने ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शो किया, वर्टिकल कंपोनेंट शो किया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शो किया. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अब ये हम इसको ए बी है, ये हमारे पास क्या है, ये ए है और ये बी है. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए बी कॉज 15 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री और ए बी साइन 45 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने शो किए इसके वर्टिकल कंपोनेंट को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को. अभी इसको हम शो करते हैं. ये हमारे पास फॉर एग्जांपल, ये एक हमारे पास एक कंपोनेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक कंपोनेंट है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, कंप्रेशन फोर्स है. हेड टू टेल रूल की मदद से मैंने इसके भी, ये वर्टिकल है, ये इसको क्या नाम हम दे दें, ये एक ए है, ये बी है और ये सी है. ए बी सी, सी बी. ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इससे कंफ्यूज मत होना. ये मैंने क्या लगाए हैं, ये मैंने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को शो किया हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए बी सी, बी सी, ये मैंने बी सी साइन 15, साइन 15 डिग्री और बी सी कॉज 15 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये इसको मैंने और इसको, अभी देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम कहते हैं वो समेशन ऑफ, पहले समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को लेते हैं, फिर समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस को लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट, और इसकी मदद से हम सारा काम इसकी मदद से करते हैं. समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो लेते हैं, समेशन करते हैं. इसके हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है, हॉरिजॉन्टल को, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, इसमें देखें ए बी कॉस 45, ए बी कॉस इस तरफ जो हो
उसको हम एज्यूम करते हैं कि ये नेगेटिव है, और इस तरफ जो हो उसको हम एज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट, ए बी कॉस 45 डिग्री, और इसका इस तरफ है डायरेक्शन नेगेटिव, बी सी कॉस 15 डिग्री माइनस बी सी कॉस 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ क्या, इसको इसके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को क्या किया, समेशन किया, समेशन किया और इसको जीरो के इक्वल ले लिया, ए बी कॉस 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू बी सी, इस तरफ जब होता है तो फिर पॉजिटिव बन जाता है कॉस 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसको देखें, हमने इस तरफ ले लिया, अभी देखिए हम इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ ही जाती है एटलीस्ट 1.366 BC, हमारे पास इक्वेशन वन है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास तो इक्वेशन वन तो आ गया, तो स्टूडेंट्स अभी हम किसको फाइंड आउट करेंगे, अभी हमारे पास ए बी का वैल्यू आ गया। अभी देखिए हमने समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस किया, अभी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमने किया, ये हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ऊपर वालों को हम नेगेटिव एज्यूम करते हैं, नीचे वालों को हम पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स देखिए ये नेगेटिव है, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हमने एफ ऑफ एक्स को समेशन ऑफ ऑल व्हाट यू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को फाइंड आउट किया, अभी हम करते हैं समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। हमने ऊपर वाले को जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो उसको हम एज्यूम करते हैं नेगेटिव, जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो हम इसको एज्यूम करते हैं पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अभी देखो स्टूडेंट्स अभी हमने इसको फाइंड आउट किया, अभी देखो स्टूडेंट्स अभी हम वर्टिकल फोर्सेस को लेते हैं समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। यह हमारे पास एक वर्टिकल फोर्स है इस मेंबर का, और इस मेंबर का हमारे पास ये वर्टिकल फोर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी साइन 45 ए प्लस है, ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ प्लस है डायरेक्शन, ए बी साइन 45 डिग्री प्लस ये बी सी साइन 15, बी सी साइन 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू हमारे पास ये एक वेट है, एक हमारे पास ये भी वर्टिकल फोर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने भूलना नहीं है, ये भी हमारे पास वर्टिकल फोर्स है। सारे वर्टिकल फोर्सेस को मेंबर में जितने भी, इसमें जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हो सारे को, इसको भी हम करते हैं पॉजिटिव, वेट है ये, डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ये इस तरह। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए स्टूडेंट्स इसकी हम वैल्यू जब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारे पास अब बी सी की वैल्यू क्या जाती है। अभी देखो स्टूडेंट्स हमारे पास ये भी एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए स्टूडेंट्स ए बी की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है 1.366 BC। ठीक है, हम इसकी जगह इसको पुट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पुट इक्वेशन वन इन टू। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन वन को टू में पुट आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखें स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं, ए बी है 1.1.366 BC। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या है ये साइन 45 डिग्री, और स्टूडेंट्स अभी इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिखते हैं, बी सी साइन 15 डिग्री, बी सी इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, बी सी साइन 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स,
अभी हम इसको करते हैं इज इक्वल टू, ये वेट है, हम इस तरफ लाते हैं डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको जब फाइंड आउट सॉल्व करते हैं तो बी सी इक्वल टू 0.817, ये हमारे पास नेगेटिव, जब हम इसको इस तरफ लाते हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, बी सी हमारे पास क्या है, वेट है जीरो, नेगेटिव 0.817 W वेट है, इसका मतलब है वेट। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कंप्रेशन, कंप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नेगेटिव का मतलब क्या है, कंप्रेशन। हमने ये बी सी के मेंबर पे जितना लोड लगता है वो हमारे पास कंप्रेशन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बी सी की वैल्यू तो आ गई कंप्रेशन में, इस मेंबर की हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई 0.817 वेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इसकी वैल्यू बी सी वेट नहीं है, इसकी यूनिट में वेट नहीं है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। सिर्फ सिंपली पुट करते हैं थ्री क्वेश्चन को, इक्वेशन थ्री पुट इन इक्वेशन वन इसमें पुट करते हैं, हमारे पास हमें वैल्यू दे देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल टू 1.366 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 0.817। इस नेगेटिव का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपको ये हमारे पास कंप्रेशन है, बस ये इसका हो गया। हम इसको सिर्फ बी सी की जगह हमने क्या लिख लिया 0.817, ए बी इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1.115 W, हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई ए बी की 1.115, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस मेंबर की वैल्यू हमारे पास आ गई, इस मेंबर की वैल्यू आ गई, इस मेंबर की वैल्यू अभी बाकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास सिर्फ ये मेंबर आ गई बाकी है, हमारे पास ये, मेरे पास ये डायग्राम है। अभी देखो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये डायग्राम बना लेता हूँ इस तरह। ये हमारे पास सी बी ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसके और इसके फोर्सेस जो है, लोड है जो इस पर लगता है, इसको कैंसल आउट करता है ये। ठीक है, इसके फोर्सेस और इसके फोर्सेस दोनों को एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, बाकी रह जाता है हमारे पास इसके वर्टिकल फोर्स। इसका जो वर्टिकल फोर्स है वो हमारे पास कैंसल आउट हो जाता है किससे, इसके नॉर्मल से, इसके नॉर्मल रिएक्शन से इसका फोर्स कैंसल आउट हो जाता है। ये सिर्फ बाकी रह जाता है ए सी इज इक्वल टू साइन 45। ठीक है स्टूडेंट्स, बी सी हमारे पास है ये। इसको जब हम कैलकुलेटर करते हैं, बी सी की वैल्यू हम इसमें डालते हैं तो पुट करते हैं साइन 45, बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी की वैल्यू हमारे पास अभी हमने इस फाइंड आउट किया था, ये हमारे पास सॉरी ये बी सी है, बी सी की वैल्यू है 0.817। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाती है एटलीस्ट 0.577 W। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई 0.5